हेलो हाय भाई लोग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एवरी फ्राइडे को जो होता है उस पर रिलेटेड है। मतलब हम सबको डॉक्टरेट कंप्लीट करना होता है ताकि हम सबको कस्टम मिल जाए, ठीक है। और कुछ तो ऐसे बंदे होते हैं जैसे हमारे जैसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा कस्टम की ज़रूरत होती है और वो दो तीन गिल्ड बनाए होते हैं और अब मतलब तीन चार दोस्त मिल के करते हैं, लेकिन वो मतलब परेशान हो जाते हैं यार करते करते, ठीक है। काफ़ी बोरियत सा रहता है कंप्लीट करना, ठीक है, बिना मतलब के खेलते रहना क्लैश स्क्वाड। क्योंकि अभी तो फिलहाल ऐसे हो गया कि क्लैश स्क्वाड रैंक में भी नहीं मिलता। अगर क्लैश स्क्वाड रैंक में मिलता तो भी सही रहता, अभी तो क्लैश स्क्वाड रैंक का डॉक्टर जुड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले तो हम सब इलिमिनेट हो जाते थे तब भी मिल जाता था। तो अभी ऐसा कुछ ट्रिक है कि आपको फ़ोन छूना भी नहीं है, आपको बस गेम स्टार्ट करके रख देना है, डॉक्टर होता रहेगा, ठीक है। तो इस ट्रिक को देखने के लिए पूरा एकदम यहाँ से ध्यान से वीडियो देख लेना कैसे आपको करना है। तो मैं सब कुछ क्लियरिफाई बताने की कोशिश करूँगा और आई होप आप सब समझ जाओगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है ऑटो क्लिकर, ठीक है। तो ऑटो क्लिकर आपको डाउनलोड कर लेना। ऑटो क्लिकर जब आप सर्च करोगे सबसे ऊपर का जो सबसे पहला आ जाएगा उसी को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसको इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, आपको सिंपली यार ओपन कर लेना है, सिंपल सी बात है। तो ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको कुछ थोड़ा अलाउ का ऑप्शन आएगा तो उसको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया था फर्स्ट टाइम, लेकिन फर्स्ट टाइम में मुझे पता नहीं चला करना क्या है, तो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने फिर से बैक कर दिया। तो यहाँ पे मैं फिर से एक्टिव करूँगा, तो यहाँ पे फिर से जैसे ही इनेबल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे फिर से आ जाता है रीएक्टिव। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं इनेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रीएक्टिव का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे मैं जैसे ही रीएक्टिव क्लिक करूँगा तो फिर से वही ले जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो क्लिकर एक था उसको मुझे ऑन कर देना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। अब ओके, वापस चलते हैं ऐप में। तो वापस ऐप में जाना है और आपको जो सिंगल टारगेट मोड है ना उसको इनेबल कर देना, ठीक है। इनेबल करने के बाद आपको कैसा होगा अभी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनेबल पे क्लिक करता हूँ, इनेबल कर दिया। अब आपको सीधा अपने गेम में जाना है, ठीक है। गेम में जाने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको चार बटन दिख रहे हैं, प्ले पाज वाला बटन, प्लस, माइनस और सेटिंग। तो आपको सिंपली पहले क्लैश स्क्वाड लगा देना है, ठीक है, क्लैश स्क्वाड। अब आप इसको स्क्वाड में भी कर सकते हो और सोलो भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जाना है, वन प्लस पे क्लिक करोगे तो वन बन जाएगा और वन को लाके स्टार्ट पे सेट कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद जो प्ले पाज की बटन होती है उसको कर देना। अब देखो आप देख रहे होगे कि क्लिक होता रहे, ठीक है। अब वहाँ पे वो क्लिक होता रहेगा, ठीक है, आपका गेम खत्म हो जाएगा और जब भी वापस आएगा फिर से वहीं पे क्लिक होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और गाइस सबसे ज़रूरी बात, आप सबको मतलब अगर आप सबका एयर ड्रॉप आ गया बीच में, ठीक है, तो आप सबका वहीं पर रुक जाएगा, फिर वो कट ही नहीं होगा क्योंकि यार कट का बटन ऊपर होता है। तो बस आपका एयर ड्रॉप नहीं आना चाहिए। बाकी देखो यहाँ पे मेरा गेम ख़त्म, मैंने वहाँ तक कट कर दिया था। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो कुछ नहीं, फ़ोन रखा है, ऑटोमेटिक हो रहा है सब काम, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये तो मैंने गेम खेला भी था पाज करके, बाकी गेम ख़त्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे भी सेट कर सकते हो थोड़ा इधर के साइड, तो आराम से कंटिन्यू भी तुरंत हो जाएगा जल्दी से जल्दी और स्टार्ट तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना। बाकी आप आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा आखिर करना क्या होता है, ठीक है। तो बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आपके पूरे स्क्वाड मेंबर सबको आप ये वीडियो शेयर करके बता देते हो कि ऐसा करना है, बस अब तुमको ग्रुप में आ जाना है बस, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो स्टार्ट होता रहेगा, बस उनका नेट ऑन होना चाहिए। तो चलो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो यार शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।